समाज क्या है, ये पूरा प्रोग्राम की तादाद में लोग शरीक हुए। देखिए ये प्रोग्राम हमारा जो इसराइल के हौसले में उसका एहतराम उसका तकद्दस अंदर में उसके लिए आवाज़ बुलंद है। दूसरा मकसद हमारा फिलिस्तीन की कौम के लिए 70-80 साल से इसराइल का और अमेरिका का जुल्म तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त कर रही है उसके हुकूक की बाजियाबी के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। कहाँ काम मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में? ये रोज़ा कुछ तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये इस्लामी कुछ इस्लामी हुकूमतें जो है वो भले ही हमदर्दी न रखती हैं लेकिन जहाँ तक उम्मत इस्लामिया का ताल्लुक है उम्मत इस्लामिया पूरी दुनिया के अंदर मज़लूम फिलिस्तीनियों के साथ है। तो कौन कौन से धर्म आपके साथ जुड़े हुए और लोग सभी जुड़े हुए हैं? देखिए फिलिस्तीन का मसला जो है वो सिर्फ इस्लामी मसला तरतीब पर बल्कि ये एक ऐसा मसला है इंसानी मसला है। जिस तरह से वहाँ गज़ा का मुहासरा करने के बाद जो है वहाँ के हकूक से बुनियादी हकूक से उन्हें महरूम किया जा रहा है और बच्चे बगैर दवाओं के जो है वो मर जाते हैं और तालीम उनकी सही तौर के ऊपर नहीं हो पाती है। तमाम चीज़ें जो है वो हैं तो जो इस मसले को जो है वो इंसानी मसला बनाती है। ट्रंप ने जेरूसलम के अंदर अपनी एम्बेसी बनाने का प्रोग्राम बताया और बनाने की तैयारी, उसके क्या कहना है आपको? देखिए ट्रंप ने कोशिश की थी कि वो पूरी दुनिया को लेकर जो है वो इस मसले के अंदर यरूशलम को इसराइल की आज़ादी इसराइल की राजधानी बनाने में कामयाब हो गया लेकिन अक़वामे मुत्तहिदा में अक्सर ममालिक ने बल्कि 80% बल्कि 90% ममालिक ने जो है इसकी मुखालफत की। चंद मुल्क ऐसे थे और वो भी बहुत छोटे छोटे मुल्क थे जो अमेरिका के साथ थे वरना दुनिया की हर सब कौम उसकी मुखालफत की। आगे सवाल कि क्या सिर्फ आप फिलिस्तीन के लिए कर रहे हैं, सीरिया यमन जहाँ पर देखिए हम उसूली तौर के ऊपर तो तमाम मजलूमीन के साथ हैं। वो जुल्म कहीं भी हो और किसी भी सरजमीन के ऊपर हो, दहशतगर्दी कहीं भी हो और कोई भी करे, हम उसके मुखालिफ हैं। और वो मसला जो है वो सीरिया का हो या यमन का हो या बहरीन का, हर जगह आईएसआई जैसे संगठन के खिलाफ है। आईएसआई